नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान जालंधर के पीएपी ग्राउंड पहुंचे, 560 सब इंस्पेक्टर्स को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, 15 किलो हेरोइन की बरामदी की गई। फिरोजपुर के कैंडलवुड पैलेस के नजदीक पुरानी रंजिश को लेकर एक नौजवान पर फायरिंग, नौजवान गंभीर घायल। और अब हलचल विस्तार से। मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएपी ग्राउंड में 560 सब इंस्पेक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उनके साथ डीजीपी गौरव यादव, सांसद सुशील कुमार रिंकू, मंत्री बलकार सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 560 एसआई पंजाब सरकार के परिवार में शामिल हुए हैं। इन सब इंस्पेक्टर्स को कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 1700 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इससे पहले मेरिट में आने के बाद भी किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती थी और सिफारिश के आधार पर ही नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब पिछले 1.5 साल से बिना सिफारिश के ही नौजवानों को नौकरियाँ दी जा रही हैं। जिसके उपरांत डीजीपी गौरव यादव ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन पहले ही 710 पटवारियों की नियुक्तियां की गई हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान 5,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए प्रति महीना वित्तीय भत्ता देने का भी मुख्यमंत्री द्वारा ऐलान किया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के परिवार विच आज शामिल हो रहे 560 नवे सब इंस्पेक्टर अते पंजाब दे विच वख-वख थावां तो आए हुए नौजवान, ए अज साडे सारियां दी खुशकिस्मती हैगी कि अपने बहुत ही रुझेवे तो टाइम कढ़ के मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत मान अज खुद इत्थे शामिल होए हैगे। उन्हां दी प्रधानगी हेठ अज दा समागम किया जा रहा हैगा। मैं समुची पंजाब पुलिस वल्लों मानयोग मुख्यमंत्री साहब दा बहुत बहुत स्वागत करदा। इत्थे कैबिनेट मंत्री सरदार बलकार सिंह, MP सुशील रिंकू जी अते होर परसनैलिटीज भी आईयां है। मैं सारिया दा अपने मीडिया तो आए भरावां दा स्वागत करदा। ते अज दा दिन पंजाब पुलिस लई एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि पंजाब पुलिस दी मैनपावर दे विच 560 पढ़े लिखे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैगे। मैं सारिया नूं वेलकम करदा। ते मैं यह दसना चाहवांगा कि 16 मार्च 2022 तो बाद पंजाब पुलिस दे विच जदो भी ज्वाइनिंग हुई है, CM साहब ने आप चल के उत्थे जाके सारियां नूं अपॉइंटमेंट लैटर दिते हैगे जी। ते मैं CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ते ओ हर नवे पंजाब पुलिस दे ज्वाइनी नूं ओ इनकरेज करते हैं, आशीर्वाद देंदे हैं। ते आज उचेचे तौर ते ओ तुहाडे विच आए हैगे। PAP दे करता धरता अते पंजाब पुलिस दे कैसे अफसर जिन्हां ईमान प्राप्त है कि वह बहुत बड़े शायर भी ने, उर्दू की शायरी भी करते हैं और समाज सेवी ने। मैं बहुत सारे फंक्शन बतौर कलाकार जो मैं बेचता से उदों भी उन्होंने वख-वख अहुदियां ते मिलने का मौका मिलिया। फारूकी साहब और साड़ी पंजाब पुलिस की आवाज जिन्होंने जो अचीवमेंट्स जो प्राप्तियां जो ऑपरेशन पंजाब पुलिस ने करने होंगे है जा फिर कर दिते होंगे है, प्राप्तियां होंगे ने, उन्होंने बारे आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने का जुम्मा डॉक्टर सुखचैन गिल जी, तुसी पुलिस दे विच डॉक्टर भी लिखा हुआ नाल, काफ़ी अजे साढ़े कोले अफसर ने जिन्हां दे नाल डॉक्टर भी लिखा हुआ। सो डॉक्टर सुखचैन गिल जी और मेरी 92 मैंबरी टीम दे
एमएलए साहबान जिन्हें भी इत्थे मौजूद ने जलंधर इलाके दे आले दुआले दे इलाके दे साडे अहुदेदार साहबान पार्टी दे और पुलिस नाल संबंधित सारे जिले की टीम जिहड़ी है उन्हां दा सब तो वध जिन्हां लई खुशी दा दिहाड़ा है अज उन्हां 560 सब इंस्पैक्टर ते उन्हां दे परिवार ते उन्हां दे मावां भैणां रिश्तेदार यार दोस्त उन्हां नूं मैं सब तो वध वधाई दिंदा कि अज तुहाडे लई एक ऐसा दिन है कि जदों तुसीं पंजाब सरकार दे परिवार नूं ज्वाइन कर रहे हो। सारा नूं मेरी सत श्री अकाल नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बिना पैसों तो बिना सिफारिश तो बिना किसी नूं जान पछाण तो जां बिना किसी दीआं मिन्नतां करे सानू जे साडी मैरिट ते कोई नौकरी ते रख ले असीं उन्हां दिनां नूं तरसदे रह गए। तां आं करके अज दा दिन खास बन गया क्योंकि ना कोई सिफारिश चली है ना कोई पैसा चलिया, तुहाडा टैलेंट चलिया। पेपर देने वेले तुहाडा पेन चलिया, जदों तुसीं पेपर दे रहे सी उन्हां पेपरां दे जवाब हां जां ना च दे रहे सी, असल च उस वेले तुसीं अपनी किस्मत लिख रहे सी। भ्रष्टाचार दे अगेंस्ट काम कीता होया ते जिस तरीके नाल नौजवान बच्चों नूं नौकरी मिल रही ने, मैं समझदा आज तुसीं जिन्ने बच्चे बाहरों बुलाए सीगे वह भी इसी करके सीगे कि उन्हां नूं एक मोटिवेशन होवे देखण कि किस तरीके नाल बच्चों नूं नौकरियां मिल रही तो वह भी पढ़ाई करन ते पढ़ाई करके अपना मकाम अपने सूबे च हासिल करन ते अपने सूबे नूं तरक्की पहुंचाउण। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि तुसीं साडे कोल आ करके साडा मान वधाया ते सानू वो इज्जत बख्शी है, साडे अपने मुलाजमान नू जिस तरीके नाल तुसी इज्जत बख्शी है आपां थोड़ा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां सर। फिरोजपुर सरहदी इलाका होने के कारण नशा तस्करी का कारोबार लगातार जारी है और नशा तस्कर नए नए तरीके अपनाकर नशे का कारोबार कर रहे हैं। एक ताजा मामले में पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली कि एक तूड़ी की भरी ट्रॉली में नशे की खेप आ रही है, जिसके बाद पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर जब एक तूड़ी से भरी ट्रॉली की तलाशी ली गई तो तूड़ी के अंदर छुपा कर ले जाई जा रही 15 किलो हेरोइन को काबू कर लिया गया। एआईजी लखबीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक तूड़ी से भरी ट्रॉली की तलाशी के दौरान 15 किलो हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अभी पूछताछ जारी है जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। 15 किलो हैरन प्रीतम सिंह पुत्र अर्जन सिंह के कब्जे में मिली, जिंदी के अपने जड़ी ढाणी खरास वाली खराद वाली पिंड हैगा उत्थे नूं लैके जा रहा सीगा, जिथे पहला हड़ दा माहौल सीगा पानी सीगा उत्थों यह ट्राली दे विच तूड़ी दे विच दब के लैके आ रहा है जिन्हों सर्च करते सानूं रिकवरी हुई। सर ये हीरोइन कितों आई सी, पाकिस्तान तो मंगाई है? यदा जिहड़ा फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंक वो ट्रेस किया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये क्योंकि दरिया के जिहड़ा तुसीबन तो परले पासे जिहड़े फ्लड अफेक्टेड विलेज सीगे उन्हां दे विच ये मुहार जमशेर पिंड पैंदा ते ड्यूरिंग फ्लड इहदे विच भी पानी सीगा ते इहदा सब तो जो पायदार सोर्स है वह रिवराइन ही है, दरिया का रस्ता ही है जिथे आई हो सकती है। ये तस्कर सर भारतीय जिहड़ा फड़ा गया नाल? ये भारतीय हैं अपने मुहार जमशेर पिंड तो ही है, प्रीतम सिंह पुत्र अर्जन सिंह। फिरोजपुर शहर के कैंडलवुड पैलेस के नजदीक पुराने झगड़े की रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर सरेआम अंधाधुंध गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनका कुछ व्यक्तियों के साथ पुराना झगड़ा चल रहा था, इसी रंजिश को लेकर गोलियां चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अमित कुमार अपने किसी निजी काम से जा रहा था, इस दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार होकर आए नौजवानों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिस कारण एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। महेंद्रपाल है जी, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਰਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, 27 ਸਾਲ ਦਾ।
ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਬਸਤੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਔਰ ਉਸੇ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ अमृतसर के थाना मजीठा रोड की पुलिस ने तेज धार हथियारों की नोक पर लोगों को डरा धमका कर लूटपाट करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए चार सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान जसकरण दीप सिंह उर्फ जोबन, सुखविंदर सिंह उर्फ संजू, अरविंदर सिंह उर्फ रोहित, हरप्रीत सिंह उर्फ जोबन के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा, तेज धार हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना मजीठा रोड उन्हां दी चौंकी फैजपुरा इन्हां दी टीम वल्लों एक बहुत वड्डे गिरोह का पर्दाफाश किया गया वा। यह जो गिरोह आ जिस विच टोटल पंज नौजवान मौजूद ने, इन्हां पंजां नौजवानों ने शहर दे विच कई जगह ते लुट्टां खोहां जिस विच मोबाइल स्नैचिंग, एक्टिवा स्नैचिंग, सोने दियाँ किसी को वालियाँ, किसी को मोबाइल, यह ग्रोह काफ़ी टाइम तो शहर के पूरा एक्टिव सी। सो इन दोनों मुकदमों के साड़ी अमरीठा रोड तो चौंकी फैजपुरा की टीम बड़ी इन्होंने मेहनत के नाल अलग अलग टैक्नीकल साधना की वरतों करके, ह्यूमन इंटैलीजेंस की वरतों करके इस ग्रोह को अरैसट किया वा, जिस विच इन्होंने जो ये मुकदमा दर्ज होया सी इस विच टोटल हुण तक असी जिहड़े पंज ग्रोह के मैंबर शामिल सन उन्हां विचों चार मैंबर असी अरैसट कर चुके हैं, जिस विच पहला दोषी जसकरणदीप सिंह उर्फ जोबन जो कि गोबिंदनगर चौड़ा बाजार का सुल्तानवंड का रहने वाला, दूसरा सुखविंदर सिंह उर्फ संजू जो कि गुरद्वारा बेर साहब के नेड़े तरन तारण रोड का रहने वाला वा, तीसरा अरविंदर सिंह उर्फ रोहित जो कि कोट आत्मा राम नेड़े पत्थरांवाली पार्क का रहने वाला वा, चौथा दोषी हरप्रीत सिंह उर्फ जोबन जो कि बसंत नगर पुरानी चुंगी सुल्तानवंड रोड का रहने वाला वा। इन्हां चारों दोषियों को जदों असीं अरैसट करके इन्हां कोलों पुछगिछ की तो जो इन्होंने खोह विच वरती गई एक्टिवा सी उस एक्टिवा नूं असीं बरामद कर लिया वा। तो इस विच इह वी दसणयोग है कि जो ये एक्टिवा बरामद हुई है इह वी इन्हां ने चाटीवंड थाने दे एरिए विच खोह कीती सी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी और पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी के दिशा निर्देशों पर जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर निर्भव सिंह गिल ने बताया कि इस अदालत में माल विभाग, निलंबित दीवानी, वैवाहिक झगड़े, ट्रैफिक चालान, मोटर दुर्घटना क्लेम केस, बिजली कानूनों के कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और फौजीदारी समझौते हो सकने वाले केसों और अन्य संस्थाओं जैसे कि कैम्प, बिजली विभाग, भारत संचार निगम और वित्त संस्थानों से संबंधित केसों का फैसला राजीनामे के माध्यम से करवाया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिशा निर्देश अनुसार आज जालंधर सैशन डिवीजन विच कौमी लोक अदालत लगाई गई है। 21 बेंच लोक अदालत के जालंधर सैशन कोर्ट से लगाए गए हैं। 2 बेंच फलौर ते 2 बेंच नकोदर। इहदे विच असी ट्रैफिक चलान 138 नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केसिस, कंपाउंडेबल आईपीसी केसिस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल केसिस, इंजंक्शन केसिस, रेंट अपील्स मैटर्स असी टेकअप किए हैं, जिथे के पार्टीज़ अपना समझौता अपनी मर्जी नाल अपनी सहूलियत मुताबक कर रही ने। अज इस लोक अदालत नूं बहुत भरवा हुंगारा मिले। अज असी कोर्ट टाइमिंग्स भी 1 घंटा वधा दिता,
और कोर्ट सवेरे 9 बजे तो असी स्टार्ट कर दी सी ताकि लोगों को कोई भी मुसीबत या कोई प्रॉब्लम ना आए। असी कुछ प्री लिटिगेटिव अराउंड 50,000 केसिस टेकअप किए हैं और उम्मीद है सानू के अराउंड 40,000 केसिस जिहड़े साढ़े इंकलूडिंग ट्रैफिक चलान डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। टोटल 21 बेंच जलंधर सैशन डिवीजन च ने, 2 बेंच फिलौर सब डिवीजन कोर्ट्स है और 2 बेंच नकोदर सब डिवीजन कोर्ट्स के विच ने। और खास इस लोक अदालत का ये है कि ट्रैफिक चलान लोगों की सहूलत लई असी सारे ट्रैफिक चलान की लिस्ट अपनी कोर्ट की वैबसाइट पर पा दी सी कल शाम नूं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अपना वैबसाइट पर जाके चैक कर सकते हैं भी किहड़े बेंच पर उन्होंने ट्रैफिक चलान लिस्टेड है ताकि वो खज्जल खराबी कोई ना होए और जिन्ना जल्दी हो सके वो अपना ट्रैफिक चलान भुगत के घरे जा सकन। गोदरेज समूह की जानी मानी और प्रतिष्ठित कंपनी गोदरेज एंड बॉयज ने शुक्रवार को जालंधर में अपने नए आउटलेट की ग्रैंड लॉन्चिंग की। गोदरेज इंटीरियो घर और ऑफिस के फर्नीचर में अग्रणी है। जालंधर के मुख्य फर्नीचर बाजार में DLF मॉल के पास स्थित ये नया आउटलेट 9,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ये स्टोर जालंधर और इससे सटे बाजारों में गोदरेज इंटीरियो की खुदरा उपस्थिति को बढ़ावा देगा। स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग के बाद गोदरेज इंटीरियो के वाइस प्रेसिडेंट देव नारायण सरकार पत्रकारों से रूबरू हुए और स्टोर में मिलने वाले उत्पादों संबंधी जानकारी दी। इस उद्घाटन समारोह में कंपनी के मार्केटिंग हेड अविक मुखर्जी, सेल्स हेड मुनीष भट्ट, हरपाल सिंह और टेरिटरी मैनेजर रोहित वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर राजेश शर्मा, विवेक शर्मा, रोहित वर्मा सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। दैनिक सवेरा के व्यूअर्स को मेरा सलाम नमस्ते एंड मैं यहाँ पे गोदरेज एंड बॉयस की तरफ से आया हूँ। गोदरेज एंड बॉयस गोदरेज ग्रुप का फ्लैगशिप कंपनी है और ये 14 अलग अलग बिजनेसेस में काम करता है, फ्रॉम अप्लायंसेस टू लॉक्स टू होम इंटीरियर्स, होम गोदरेज इंटीरियर जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, टू इवन एयरोस्पेस। तो मैं गोदरेज इंटीरियो का कंज्यूमर बिजनेस हेड हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर देव नारायण सरकार। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ एक 7,500 स्क्वायर फीट का एक गोदरेज इंटीरियो का शोरूम इनॉग्रेट करने, जो काफ़ी ट्रेंडी फर्नीचर और पंजाब की जनता के लिए जो फर्नीचर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो इसमें डिस्प्लेड है, वो लॉन्च करने आए हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम्स है और पंजाब का तो सबसे बड़ा शोरूम है ही। तो हम जालंधर को चूज़ किया क्योंकि जालंधर की जनता को ट्रेंडी फर्नीचर चाहिए और अच्छे फर्नीचर चाहिए। तो आज के दिन में अगर आप यहाँ पे आएंगे और घूम के देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बेड्स है, काफ़ी बड़े सोफ़ा है, बेड का बड़े हेडबोर्ड वाले बेड है विथ स्टोरेज स्पेस, बड़े बड़े सोफ़ा है, एक एक बार में 18-19 आदमी बैठ सकता है। तो और मॉड्यूलर फर्नीचर डिस्प्ले किया हुआ है। तो आइए और हमारा शोरूम में आके अपना फर्नीचर चूज़ करिए। तो बड़े हवेली से लेके छोटे अपार्टमेंट तक का फर्नीचर हम कॉन्फ़िगर करके आपको दे सकते हैं। मॉड्यूलर फर्नीचर है, किचन्स है, सो हम किचन भी, हम फैक्ट्री मेड किचन भी देते हैं। तो हमारा सारा फर्नीचर फैक्ट्री मेड है जो क्वालिटी में उम्दा है। क्वालिटी में एज सीलिंग हो, चाहे गमिंग प्रोसेस हो, चाहे PU कोटिंग हो, पेंटिंग हो, सब कुछ बेसिकली रोबोटिक और मशीन प्रोसेस से बनता है। तो आप लोगों सबको बधाइयाँ कि इतना बड़ा शोरूम गोदरेज ने डिसाइड किया कि आपके शहर में खोला जाएगा। और पंजाब में हमारा ऑलरेडी 73 शोरूम्स है, ऐसे 73 शोरूम्स है और 25 शोरूम अगला एक साल में आने वाला है। टोटल मिला के और बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं हमारे, 125 शोरूम हम लोग अगला 2 साल में खोलेंगे। तो और ये जर्नी चलता रहेगा, ये जो काफिला है ये और बढ़ता रहे और चलता रहे। अमृतसर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी कैमरामैन की एक बैठक हुई जिसमें अमृतसर वीडियो जर्नलिस्ट ग्रुप की सहमति से विशाल शर्मा लकी को इस ग्रुप का प्रधान नियुक्त किया गया। इस अवसर पर अमृतसर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश गिल विशेष रूप से पहुंचे, जिन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजेश गिल ने सभी साथियों को बधाई दी। अमृतसर वीडियो जर्नलिस्ट के नवनियुक्त प्रधान विशाल शर्मा ने
अमृतसर प्रेस क्लब के प्रधान राजेश गिल को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और कहा कि अमृतसर प्रेस क्लब की नई बॉडी का गठन किया जा रहा है, जिसमें एक सदस्य को उनके समूह से भी लिया जाना चाहिए। इस अवसर पर अमृतसर प्रेस क्लब के प्रधान राजेश गिल ने कहा कि अमृतसर वीडियो जर्नलिस्ट ग्रुप एसोसिएशन जो भी नाम देगा वो अमृतसर प्रेस क्लब की बॉडी में लिया जाएगा। इस नवगठित एसोसिएशन का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र में पत्रकारों को परेशान करने वाले किसी भी मुद्दे को परिश्रम पूर्वक संबोधित करना और हल करना होगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। को बड़ा खुशी का दिहाड़ा अज, क्योंकि जथेबंधक होना एक ऑर्गेनाइजेशन च होना एक बड़ी वड्डी गल है, क्योंकि अपने आप नूं संगठित करने वाली गल हो जाती है। वो तुसीं अपने आप नूं संगठित किया, जिवें कि जिहड़ी स्टिल फोटो जर्नलिस्ट है उन्हां दी एक ऑर्गेनाइजेशन है जथेबंदी उन्हां दी, और वधिया गल है कि वो अपनी पावरफुली गल रख सकते हैं, जिथे मर्जी रख सकते हैं गल। उस तरीके तुसीं वीडियो जर्नलिस्ट एसोसीएशन अपनी बनाई है, फॉर्म की है, तो तुसीं सारे वधाई दे पात्र हो। तुसीं सारयां ने सर्वसम्मति नाल विशाल शर्मा नूं अपना प्रधान चुनिया। विशाल शर्मा नूं ही मैं वधाई दिंदा वां कि इह मतलब तुसीं अपना प्रधान चुनिया, अपना नुमाइंदा चुनिया। फिर तुसीं इत्थे बुला के मैनूं सन्मानित भी कीता, उस वास्ते मैं तुहाडा तहे दिलों धन्नवादी हाँ। नैशनल लीगल सर्विसिज अथॉरिटी फिरोजपुर की ओर से माननीय जिला और सैशन जज वीर इंद्र अग्रवाल की अगुवाई में जिला फिरोजपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग केसों का निपटारा किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीजेएम एकता उपल ने कहा कि नेशनल लोक अदालत फिरोजपुर के साथ साथ जीरा और गुरु हर सहाय में भी लगाई गई है, जिसमें कई अलग अलग केसों के निपटारे करवाए गए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से फैसला किया जाता है और बाद में इसकी ना तो कोई अपील और ना ही कोई दलील की जा सकती है। इससे लोगों का पैसा और समय दोनों की बचत होती है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। जी, आज की जो नेशनल लोक अदालत है वो पूरे फिरोजपुर जिले दे विच लगाई गई है, अते इस दीयां दोनों सब डिविजन गुरु हर सहाय एंड जीरा दे विच इसका आयोजन किया गया है। इस दे विच टोटल फिरोजपुर दे विच 19 बेंचिस बने ने, जिस दे विच 14 बेंचिस कोर्ट दे जिला फिरोजपुर दे विच बने ने, 3 बेंचिस ने सब डिविजन जीरा दे विच, अते 2 बेंचिस ने जड़े वो गुरु हर सहाय दे विच बने ने। इस तो इलावा 9 बेंचिस ने वो रेवेन्यू कोर्ट्स दे बने ने एंड 1 बेंच है जड़ा फिरोजपुर दे विच कंज्यूमर कोर्ट्स दा। वेल, आज दी नेशनल लोक अदालत दे विच फिरोजपुर दे टोटल लिस्टेड केसिस है, कोर्ट केसिस दी 3436 केसिस लिस्ट होए ने, जिन्हां दे विचों सानू उम्मीद है कि मोर दैन 1000 केसिस है जड़े डिसाइड होणगे। बाकी रिजल्ट्स है जड़े अजे स्टिल अवेटेड है, क्योंकि तुसीं सारयां ने हुणे देखिया कि लोक अदालत अजे चल रही है और टिल कोर्ट टाइम तक ये चलेगी। होपफुली ये रिजल्ट्स है जड़े होर बैटर होणगे। इस तो इलावा साडे कोल ट्रैफिक चलांस ने, कैंसलेशन रिपोर्ट्स है, अनट्रेस रिपोर्ट्स है, रेवेन्यू मैटर्स है, कंज्यूमर मैटर्स है, प्री लिटिगेटिव केसिस है, सो परमानेंट लोक अदालत के केसिस ने। सो लेट्स सी, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि असीं मैक्सिमम रिजल्ट्स है जड़े दईए। अमृतसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 27,000 केसों का निपटारा किया गया। ये लोक अदालत सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अगुवाई में लगाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा ने कहा कि नेशनल लोक अदालत हर 3 महीने के बाद लगाई जाती है, जिसमें अलग अलग केसों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि इससे लोगों का पैसा और समय दोनों की बचत होती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, आज असी 9 सितंबर नू अमृतसर विखे अजनाला ते बाबा बकाला साहब विखे असी नैशनल लोक अदालत लगाई है। इहदे च असी अराउंड 27,000 केसिस टेकअप किए ने, जिन्हां विचों कि प्री लिटिगेटिव केसिस भी ने, क्राइम अगेंस्ट विमेन वाले केसिस भी ने, और नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केसिस भी ने, सिविल फौजदारी केसिस वो ने जिहड़े कि कंपाउंड नहीं हो सकते, कंपाउंडेबल ने, वो सारे केसिस असी इत्थे लए ने और सानू पूरी उम्मीद है कि असी मैक्सिमम डिस्पोजल करांगे। अज लगान दा बहुत फायदा जी, जिवें कि असी देखिया कि कई बार कचहरी च कुछ प्रोसीजरल टाइम लग जांदा, लोगों को काफ़ी बारी कोर्ट्स जाना पैंदा और उहदे नाल थोड़ा डिले हो जाता है उन्होंने केसों की डिस्पोजल। लोक अदालत एक इहो जिहा प्लेटफॉर्म है जिहदे विच वो आके अपने केसिस राजीनामे नाल छेती नबेड़ सकते हैं, और सब तो वड्डा इहदा फायदा यह है कि इहदी कोई अपील नहीं हुंदी, जिहड़ा भी लोक अदालत च फैसला हुंदा वो फाइनल हुंदा। लोक अदालत जिन्हें भी केस लगाना, सब तो सौखा तरीका है कि जिहड़ी भी कोर्ट च उहदा केस जे पेंडिंग केसिस ने
तो उत्थे एप्लीकेशन दे सकते हैं, ओरली भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे ऑफिस बीइंग चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जोड़े केसिज ने वो आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लोग अदालत लगन। इदा ही साढ़े इतने ADR सेंटर है, साढ़े CGM साहब ने रछपाल सिंह जी जोड़े कि सैक्रेटरी ने, उन्हों को आके भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। इस तो जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर की लहम्बर कॉलोनी में स्थित पार्क में काफ़ी जड़ी बूटी उगी हुई थी और गंदगी फैली हुई थी, जिससे इलाकावासी काफ़ी परेशान थे। इस संबंध में उन्होंने प्रसिद्ध समाज सेवक और आप नेता अजय कुमार पीवल को अपनी समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद अजय कुमार पीवल ने पार्क में सफाई अभियान चलाकर पार्क को स्वच्छ बनाया। इस अवसर पर भजन सिंह, हरजिंदर कुमार, सुरेश कुमार, अमित, राहुल, हनी, लव, कुश, अमन, जतिन, अंकित, पुलकित स्थित अन्य इलाकावासी भी मौजूद रहे। इस दौरान इलाकावासियों ने आप नेता और प्रसिद्ध समाज सेवक अजय कुमार पीवल का उनकी इस समस्या का हल करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मैं हरभजन सिंह, लंबड़ कॉलोनी दीपनगर तो कलीधर गुरुद्वारा सामने पार्क से बोल रहा। पार्क में बहुत घा सी, प्रशासन ने बहुत, कोई इधर बंदा नहीं प्रशासन का आया, ना गवर्नमेंट का कोई बंदा आया। बहुत कह कह के हट गए अजय बेटे नूं, बेटा इसकी सफाई करवानी है, तो अजय ने अज ही बंदा ला के सफाई करानी शुरू कर दी। अजय साढ़े कलोनी दे बहुत कम करा रहा है। पर मैं अजय पिवाल, सोशल वर्कर दीपनगर से। हमें लंबड़ कॉलोनी से और दीपनगर और बड़ी जगह से फ़ोन आए कि लंबड़ कॉलोनी हम सैर करने आते हैं। भैया हमारा सैर करना बड़ा दुविधा में पड़े हुए हैं कि पार्क में जाएं, सांप कीड़ा ना लड़ जाए, बड़ी गंदगी फैली हुई है, इसकी व्यवस्था के लिए कुछ करो। तो आज हमने एक लेबर हायर की है, उस सफाई विमान को हमने शुरू करा दिया है। कोई भी दुविधा हो आप मुझे जब मर्जी फोन करें, कोशिश करेंगे उस दुविधा को दूर करने की। श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में मुंजाल परिवार की तरफ से श्री खाटू श्याम और श्री बालाजी महाराज के संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक अंकित शर्मा, अंश एंड पार्टी फरीदाबाद वालों और विधायक रमन अरोड़ा ने बालाजी और श्याम बाबा खाटू वाले का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान विजय खुल्लर, प्रदीप खुल्लर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राजू मदान, राकेश जसूजा, राजीव मुंजाल, अमित गुंबर, ननू अरोड़ा, आतिश अरोड़ा, गौरव अरोड़ा, निखिल अरोड़ा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। थोड़े दिन पहले सुना था, ये कीर्तन में आए, बहुत बड़ी हस्ती है, ताली बजाओ ना एकदम। ये कीर्तन में आए, देखो कितनी बड़ी बात है, ये कीर्तन में आए और 3-4 घंटे इन्होंने बैठ के जमीन पर कीर्तन सुने। एक बार जोरदार तालियां बजाओ ना। गोविंद मेरो है, अभी भी कह रहा हूँ पाखंडी बनना छोड़ दो, दिखावा करना छोड़ दो, सच्चे हृदय से कीर्तन में बैठा करो, वरना मत बैठा करो, चले जाया करो। इसे भीड़ नहीं चाहिए, इसे प्रेमी चाहिए। मैं हाँ जो प्रेमी बन के आए हो, भगत बन के आए हो, बोलना अंत समय जब आए मेरा। बाबा को देखो इतना छोटा हूं, क्यों से लग रहे हैं इस परिवार ने इतने भाव से सजाया। एक बार इस परिवार के लिए फिर से दोनों हाथ उठाओ और बाबा को देख के बोलो
तेरा ही सहारा है।
से भी प्यारे हो, हरे सहारे हो, हम जान से भी प्यारे हो। दरबार कुलदेव बाबा कालीवीर जी में दिव्य शक्ति जागृति संस्थान की ओर से गुग्गा नवमी का भंडारा एवं मां भगवती का जागरण 120 फुटी रोड शास्त्री नगर जालंधर में बड़ी श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील कुमार रिंकू, पंजाब कंटेनर बोर्ड एवं वेयर हाउस की चेयरमैन राजविंदर कौर थियाड़ा, विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक राजेंद्र बैरी ने मुख्य अतिथि, जबकि भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर, सुरजीत सिंह भुल्लर, रिंकल बिल्ला, कमलजीत सिंह, हरप्रीत पाल बिट्टू, पप्पू पंडित और संदीप थापा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रधान अश्वनी कुंडल, सचिव विजय कुमार, वाइस प्रेसिडेंट दीपक, सुनील वर्मा, अभिलाष सारंगल, अमर कुंडल, रमेश कुमार, बलबीर सारंगल, आकाश सारंगल, अंशुल खिंदर, विशु सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। गुग्गा नौमी दे पावन और पवित्र दिवस दे उत्ते महामाई दा जिहड़ा जागरण करवाया जा रहा, मैं समझदा कि अज जे पंजाब दे विच
अमनो ईमान शांति आपसी भाईचारा और पंजाब दी जड़ी परसनैलिटी है पूरी दुनिया तो जे अगर निवेकली है तो मैं समझदा कि उहदे विच साडे संतां महापुरखां दा बहुत वड्डा योगदान है उहनां दा बहुत वड्डा मार्गदर्शन है। अज मैं 120 फुटी रोड शास्त्री नगर दे विच दिव्य शक्ति जागृत संस्थान वालों जो विशाल भगवती जागरण करवाया जा रहा गुग्गा नौमी के शुभ अवसर से इस शुभ दिहाड़े से मैं दैनिक सवेरा अखबार के मालक का सवेरा टाइम्स जो इंग्लिश की अखबार है उसके मालिक श्री देवी तला मंदिर के प्रधान से जरूरतमंद लोगों की रीढ़ की हड्डी श्रीमान शीतल बीर जी उनका इतने अपने नगर के पहुंचने से हार्दिक स्वागत करदा ते महाराणी के चरणों से एक अरदास करदा मां ये जो तेरा बचड़ा जिहदा नां शीतल विज है इस बचड़े के उत्ते अपना मेरा भरिया हाथ रखी पिछले बहुत सालों तो अपने पिता जी तो प्रेरणा लैके मां त्रिपमाली तो प्रेरणा लैके यह सेवा करता आ रहा बहुत जी की उम्र 70 साल के करीब टच कर रही है टाइम देख लो एक बज गया मैं बाऊ जी के नाल 8:30 बजे मैं बाऊ जी को पहुंच गया सी पंजा प्रोग्रामा तो बाद 6वें प्रोग्राम च आए हैं तो मैं कोशिश दस रहा सी कि अजे 2 प्रोग्राम होर है जिथे बाऊ जी ने जाना मैं मां तेरे चरणा च एक बेनती करदा दातिए इस मेरे बाऊ शीतल विज जी नूं लंबी उम्र दे तंदुरुस्ती दे इन्हां दा जो परिवार है विज परिवार है वह हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे बाऊ जी तुसी इस नगर चो आए हो एक एक कदम तुहाडा सिर मत्थे साडे वालों संगत वालों ते विशेष तौर तो मेरे छोटे भाई जो इस हलके तो विधायक ने मुख सेवादार ने मैनू लगता नहीं कदे शीतल जी ने अपने आप नूं विधायक समझिया होगा वह बहुत शीतल बेज जी ने रखिया इस गल का माण है जिवें शीतल बेज जी अपने नाँ तो मशहूर है तो उन्होंने जिन्हों नाम से गुड़ती दी है वह भी शीतल बेज जी का नाँ तो चौधरी परसुराम जी का नाँ जरा उच्चा कर रहा है इस गल का मैं फकर है। महामाई ने आप बहुत ही धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने अपना भगत जरा है वो साड़ी साध संगत भेजे और ज़्यादा धन्यवादी हाँ मैं प्रदीप खुल्लर जी का क्योंकि शाम से जाके बह गए थे कहते मैं लैके आना बहुत ही पूजनीय आदरणीय प्रातः संबंधी है सतीश जय जी महाराज इन्हों के चरणों से कोटि कोटि प्रणाम मैं आज बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझना कूलर साहब का उंगराल साहब का गुरद्वारा साहब के प्रधान साहब का बहुत धन्यवादी है जिन्होंने अच्छ मैंने इतने बुला के इन्नी वीडी शख्सियत आशीर्वाद दवाया मैं इन्हों का भी बहुत धन्यवादी हूँ और मैं साडे स्टेज पर बैठे सारे संत समाज उन्होंने चरणों के मेरा कोटि कोटि प्रणाम मैं शक्तिपीठ देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों सारे संत समाज में अस्तीश साईं जी महाराज ने एक बेनती करना कि तुसी उत्थे आके चरण पाओ ते जगह नूं पवित्र करो महाराणी का आशीर्वाद लो मैं इस गल की बड़ी खुशी है कि तुसी साडे वड्डे साईं जी उन्हां दे उन कदमां दे चल रहे हो और इस तरह सारयां नूं आशीर्वाद दवा रहे हो भगवती मां दा और सारयां नूं आशीर्वाद दे रहे हो मैं पप्पू प्रधान जी बहुत पुराने देवी तला के सेवादार है और इन्हों का भी बहुत धन्यवाद है अस्तीश साईं जी महाराज जी अगर अरदास करता कि सारिया संगतों जब आशीर्वाद दे रहे हो तो साड़ी कमेटी को भी साडे महाराणी के जिन्हें भी मंदिर ने जलंधर के उन्होंने सारे मंदिरों कमेटियां के सिर पर आशीर्वाद करो जय माता दी जय श्री गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी ज़रूरतमंद गरीब लड़कियों के 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया
जिनके आनंद कारज गुरुद्वारा द्वाबा श्री गुरु सिंह सभा अड्डा होशियारपुर चौक जालंधर में करवाए गए, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस विवाह समारोह में जरूरतमंद लड़कियों को जरूरत संबंधी सभी प्रकार का घरेलू सामान भी दिया गया। इसके अलावा बारातियों के लिए लाजवाब व्यंजनों का प्रबंध भी किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र पाल वर्मा, महासचिव मक्खन सिंह, कैशियर सतीश मल्होत्रा, उप प्रधान सुशील मदान, उप चेयरमैन जीवन कुमार हैप्पी, सुरेंद्र कपूर, वरिंद्र कपूर, नितिन भंडारी, मुकुल मधियानी, प्राण मल्होत्रा, नवीन सेठ, दिलीप कुमार, संजीव खुशबू, चंद्रमोहन सोनू, हरमेल सिंह, राजन कुमार, कुणाल, वरिंदरजीत सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया की रिपोर्ट। हर साल की तरह असी जरूरतमंद बच्चियां ने विआह करने, ऐ सब बाऊ जी की मेहरबानी है। जे कई असी करते असी नहीं करते, ऐ सब बाऊ जी कराने वे असी करी जाने। पता क्यों मशहूरी साड़ी इन्होंने की है? अगले साल असी 21 कुड़ियां दे विआह करने, ऐ बाऊ जी की बदौलत 21 कमल भी इन्हें को लैने में। जय गुगा पीर इन्ना जोड़े आया। इस तो उत्ते कोई जलंधर है ही कोई शहर है? शहर जलंधर वासी शीतल बीज ने जोड़े आया, वो कोई काम नहीं कर सकता। नाल महारानी ने ना अपार कृपा की है जी। पूरे जलंधर शहर दे जिन्ने मंदिर ने सारे नु एक माला च परोया है। किते भी शहर दे विच पंजाब च किते भी धार्मिक समागम हुंदा, उत्थे सारे नु पहले पहुंच के अपना आशीर्वाद दिंदे है, ते उत्थों दी पब्लिक दा आप आशीर्वाद लैंदे है। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਵੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆ ਸ਼ੀਤਲ ਬਿੱਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਵਾ। ਮਹਾਂਮਾਈ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਗੁੱਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੱਡਾ ਜਲੰਧਰ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਹੈਪੀ ਜੀ, ਗੁੱਗਾਪੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦਾਜ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾਜ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 21 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਪੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ
आए हुए साडे बहुत सत्कारयोग साडे वीर उन्हां दा मैं बहुत धन्यवादी हाँ जज जी का उन्होंने साथियों जी का और आए नहीं साडे प्रधान जी अज जिन्होंने मंगला मुखी मंदिर का अच्छ स्वरूप देखने वाला और नवजीत जी ने जो अज की डेट के जलंधर शहर के बहुत पुण्य स्थान स्थापन किया जितों हर बंदे आशीर्वाद प्राप्त होंगे जय मंगला मुखी गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी मक्का सिंह हैप्पी महाराज जी के पावन पर्व के उत्ते जो जरूरतमंद लड़कियों की शादी करवाने का जो उपराला करते बड़ा आसान नहीं है। मैं अपने वालों और बॉय शीतल वालों और मेरे बड़े वीर जज भाजी वालों और पूरी समुची टीम वालों इन्हों बहुत बहुत बधाई देना और जिस तरह कि अज तक कह रहे जी 112 जरूरतमंद लड़कियों की शादी करवा चुके और अज भी बड़ा वधिया उपराला कर रहे ये बड़ा सराहनीय काम है। मैं अपने जिन्हें भी मेरी आवाज़ में सुनते मैं सारे भैन भरावान अपील करता भी इस पुन कार्य अपना सहयोग दो क्योंकि कन्यादान ही सब तो उत्तम दान है। इस दान के अपना योगदान पा के अपने जीवन में सफल बनाइए और मैं अपने वालों भी कुछ राशि इन्हों चैक के थ्रू कल भिजवा देंगा और सरकार वालों भी इन्हों मदद दिलाने का पूरा मैं भरोसा दवाना। अज माननीय CM साहब आए थे मैं इस मुतलक उन्होंने गल भी करा और जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा इन्हों की मदद करा की पूरी कोशिश भी करा। बहुत ही खुशियां भरिया दिन है। खुशियां भरिया दिन का मतलब यह है कि अज गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा हुशियारपुर चौंक वालों जो कि 21 लड़कियां दी विआह करवाया जा रहा है और जिदा कि अपने जलंधर के दैनिक सवेरा के संपादक श्री शीतल विज जी जी अगवाई दे हेठ ये जो वेलफेयर एसोसीएशन चलती है और ये बहुत ही एक वधिया उपराला आ उपराला ऐसा वधिया आ कि हरेक जो कि जरूरतमंद माँ बाप होंगे ने उन्हां दियां धीआं आ जो ठीक है विआह ते हर जो माँ बाप है अपनियां धीआं दा करदा आ ये जो विआह है गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी वालों कराया जाता है एक बहुत ही वधिया तरीके नाल विआह कराया जाता है जिदा कि असी विआहां दे विच जाके विआह अटेंड करते हैं हरेक चीज़ का स्टॉल लगा हुआ आ और जरूरतमंद धीआं नूं जो माँ बाप देंदे ने वो जो है गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान साहब और उन्होंने जो सारी टीम है वो दिंदी है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान जालंधर के PAP ग्राउंड पहुंचे 560 सब इंस्पेक्टर्स को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया 15 किलो हेरोइन की बरामदी की गई। फिरोजपुर के कैंडलवुड पैलेस के नजदीक पुरानी रंजिश को लेकर एक नौजवान पर फायरिंग नौजवान गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहें हलचल। नमस्कार।